हे, तुम सब कहाँ चले गए? मजाक कर रहे हो क्या? हेलो रीना रूज, मैं हूँ शैडो मोन। मैरिनेट आलिया, मैरिनेट नहीं, आलिया सतर्क रहना। नीनू सीरियसली, अब ये मत कहना तुम बबलर के रूप में इसलिए अकोमटाइज हो गए क्योंकि मैंने तुम्हें अपने रूम में नहीं लिया। मैं नीनू नहीं हूँ, मैं सैंटी बबलर हूँ। नीनू तुम्हारे फैमिली के साथ है, सब कैद में है। हेलो, हमें कोई बचाओ। हे सुनो, उस स्पाइडर को मुझसे दूर रखो। ओके, घबराओ मत, वो बीटल और कैद हमें जरूर बचाने आएंगे। अब तक तो तुम समझ गई होगी कि अपने परिवार से वापस मिलने के लिए तुम्हें मेरा कहां मानना होगा। तुम क्या चाहते हो शैडो मॉथ? मैं चाहता हूं कि तुम लेडी बग को धोखा दो। ये तो किसी बुरे सपने से भी बुरा है। चीकी, मैं ट्रांसफॉर्म कैसे करूं? लोग मुझे देख लेंगे। आलिया कोई तरीका ढूंढ लेगी, इसलिए तो तुमने उसे मिराकुलस दिया है। मुझे उसे बताना होगा कि विलन शायद कोई सेंटी मॉन्स्टर है। रीना रूज को कैट नोअर को बताना होगा कि उसे कैटाक्लिज्म ना करे, वरना सेंटी मॉन्स्टर बेकाबू हो जाएगा और हमारे बबल्स फूट जाएंगे। नहीं आलिया सिसार, अब तुम किसी से बात कर सकती हो तो सिर्फ मुझसे और मेरे सेंटी मॉन्स्टर से। वो जवाब क्यों नहीं दे रही है? नो आलिया पर भरोसा रखो, वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगी। सही कहा टिकी, वैसे कैट नोआर भी जल्दी आता होगा। ये बबल्स पिछले 5 मिनट से उड़ रहे हैं और अब तक कोई सुपर हीरो नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है क्लारा? हाँ, ये चीज अभी खाने लायक नहीं हुआ। हाँ नाडिया, और कोई विलन भी नहीं है, बल्कि ये बबल्स वैसे ही है जैसे बबलर ने बनाए थे, लेकिन उसमें से एक नीनो लहीफ है, वो स्टूडेंट जो पहले बबलर के रूप में अकोमटाइज हुआ था। तुम दूर रहना क्लारा, लेडी बग और कैट नोआर के आने से पहले कोई खतरा मत उठाना। नीनो, मैरिनेट, प्लैग। अच्छा है, हमारे लौटने तक शायद ये चीज खाने लायक हो जाएगा। प्लैग, क्लोज आउट। कैट नोआर एयरवेज से उड़ने के लिए थैंक यू, उम्मीद है आपका सफर अच्छा रहा। थैंक्स, बहुत मजा आया। माय प्लेजर। ए रुको, तुम्हारी ट्रेनिंग। ओह नो, मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी। जल्दी अपनी पोजीशन लो, तुम इस बार जरूर कामयाब होगी, मुझे पूरा यकीन है। किसी को प्यार की जरूरत है तो वो है लेडी बग और कैट नोआर। मेरी आइसक्रीम झूठ नहीं बोलती। फिर से? नहीं नहीं, हमें प्यार नहीं है, मैं बस प्रैक्टिस कर रही थी। यही रुको। ग्लेसिएटर फिर से अकुमेटाइज हुआ, ये नामुमकिन है। तुमने एंड्रे को पहले जादुई चाम दिया था, है ना? ओह नो, मैं इस कपल ऑफ द ईयर मामले से इतना गुस्सा थी कि उसे देना भूल ही गई। टिकी स्पॉटसन। दोबारा मिलकर अच्छा लगा माय डियर फ्रेंड, जिसकी मैं इज्जत करता हूँ और जिसके लिए मेरे दिल में दोस्ती के सिवा और कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस पोजीशन चेक कर रहा था। लकी चार्म। अरे वाह, ये लकी चार्म सच में मुझ में जोश भर देता है। ओके, गाड़ी चलाओ, मेरे पास एक प्लान है। तुम यहाँ हो, तुम्हें लगा मुझसे आसानी से बच जाओगे? मैं हूँ ग्लेसिएटर, मतलब ही आइसक्रीम मैन। मैं हूँ प्यार का नंबर वन फैन। बहुत हुआ, हम सिर्फ दोस्त हैं। ओके, चलो चले। नहीं है झूठी। मुझे चलाने दो। तुम्हें लगा कि मुझे अपने से अटैच करके मुझसे बच जाओगे? ऐसे हम कहाँ जा रहे हैं? आई मीन लाइफ में जाने के बारे में नहीं, मेरा मतलब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं संभालूंगी, मैं गार्डन और जा रही हूँ, टच में रहना। कैट नोआर, अभी। तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हारे रेडी होते ही वापस आ जाऊंगी। संभल कर जाना। रेडी माय लेडी। मैं तुम्हें माय लेडी कह सकता हूँ ना? नहीं, कोई बात नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर किसी बात से नाराज हो तो वो काम मत करो, बस इतना ही। Thank you.
रोबस्टस, मैं हूँ शैडो मॉथ। तुम्हें हैक्सेन ने इन्फेक्ट किया है, जो मेरा वायरल सेंटी मॉन्स्टर है। अब तुम जो भी करोगे तुम्हें सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही महसूस होंगे। मुझे तुमसे नफरत है शैडो मॉथ। होनी भी चाहिए। बदकिस्मती से तुम्हारे दर्द को मैं ही खत्म कर सकता हूँ हैक्सेन को तबाह करके, लेकिन ऐसा सिर्फ एक शर्त पर करूंगा। जरूर तुम्हें लेडीबग और कैट नोआर के कीमती मिराक्युलस चाहिए होंगे। सही पहचाना। और तुम्हारे मकसद में कामयाबी के लिए मैं तुम्हें इंसानों को काबू करने की ताकत देता हूँ। परफेक्ट। मैं हूँ रोबस्टस, तुम्हारी सबसे कीमती चीज मुझे दे दो। हमारे लिए तो हमारे कॉमिक्स ही सबसे कीमती है। तुम क्या कर रहे हो? मार्कोफ, 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 कहाँ हो तुम? मार्कोफ, मैं हूँ रोबस्टस, तुम्हारी सबसे कीमती चीज मुझे दे दो। मार्कोफ की प्रोग्रामिंग का बैकअप मेरे लिए सबसे कीमती है। मैक्स, अब से जब भी मैं तुम्हें पुकारूं तुम जवाब दोगे और मेरी हर बात मानोगे। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर रोबस्टस। मार्को फिर रिकॉमेटाइज हुआ है। प्रोजेक्ट 675 मिराकुलस लेडीबग कहने के बाद उन्हें मैजिकल चार्म देना मत भूलना। बस इतना ही। XOXO। हमने कुछ नहीं किया सच्ची। कुछ गड़बड़ जरूर है। फोन मत उठाना। मैं हूँ रोबस्टस, तुम्हारी सबसे कीमती चीज मुझे दे दो। मैरिनेट, तुम ही हमारी सबसे कीमती चीज हो। मैरिनेट, स्वीटी। जो हुक्म रोबस्टस। आलिया, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। वाह, ये तो एकदम सुपर शांत वीकेंड है सुपर बग। सही कहा ट्रिक्स। देखा, सुपर पग नहीं, मुझे नया नाम चाहिए। टिकी, स्पॉट्स ऑन। स्टे कनेक्टेड रोबस्टस। बग लेडी आ गई है। बग लेडी अच्छा नाम है ना? इससे बेहतर हो सकता था। चुप जाओ ट्रिक्स, कैट नोआर तुम्हें देख ना ले। इसका कोई तो जवाब होगा नीनो, हम सुलझाते हैं ना? रॉकेटियर, मैं हूँ शैडो मॉथ। कैट नोआर ने तुम्हारे दिल को चीर कर तुम्हें गम में डुबो दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे आंसुओं को सब कुछ नष्ट करने की ताकत देता हूँ, और इसके बदले में मुझे चाहिए। जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए शैडो मॉथ, घबराओ मत, उन्हें खत्म करके उनका मिरेकुलस तुम्हें ला कर दूंगा। नीनो, तुम्हें लड़ना होगा इस बुरे। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो एड्रियन, कैट नोआर है। जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो, पर मेरी मानो तो मत करो, क्योंकि तुम्हारा दोस्त कैट नोआर से बहुत ज्यादा खफा है। मैं नीनो को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। फ्लैग क्रॉस आउट। मैंने लेडी ब्लॉग पर जो पोस्ट किया था उस वीडियो की वजह से वो रात को मुझसे मिलने आया। उसे लगता है मैं उसे चाहती हूँ। कैट नोआर भी ना। ये क्या? कैट नोआर, तुमने मेरी आलिया को मुझसे छीन लिया। मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। मैंने किसी को नहीं छीना, आलिया आज भी तुम्हारी है। झूठ, मेरे पास प्रूफ है। ये नहीं हो सकता। ओ नीनो, क्या कर रहे हो? दोनों कुछ कर बैठे, इससे पहले उन्हें रोकना होगा। चलो आओ मेरे साथ। ओके, यहाँ आराम से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। आलिया, क्या तुम सच में? ऑफ कोर्स नॉट, ये गलत फहमी है।
अगर नीनू ने हमारी बातें सुनी होती तो उसे यकीन हो जाता कि मुझे कैट नोआर से प्यार नहीं है। ठीक है, ये सब छोड़ो, जल्दी कुछ करते हैं। एक वीडियो प्रोजेक्टर, अब इसे मैं किस तरह यूज करूं? क्या तुम भी नीनो की तरह इमेजिनरी मूवीज बनाओगी? तुमने कहा कि अगर नीनो ने तुम्हारी बातें सुनी होती तो गलत फहमी पैदा ही ना होती। एब्सोल्युटली। बालकनी में जो बातें हुई क्या वो तुम्हें अच्छी तरह से याद हैं? हर एक शब्द। क्या तुम एक साउंड इल्यूजन बना सकती हो? बिल्कुल। विश मेकर, मैं हूँ शैडो मॉथ। दुनिया ने तुम्हें बचपन के सपने पूरे करने नहीं दिए। आज से तुम जिसे भी छुओगे वो वही बन जाएगा जो बनने का सपना उसने बचपन में देखा था। कैट नुआर और लेडी बग पर हमला करते ही उनके बचपन के सपने बिखरते ही उनके मास्क उतर जाएंगे। आज के बाद मैं वही बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूँ, और मेरी बदौलत सब लोग आखिर वही कर पाएंगे जो वो करना चाहते थे। अपने सपनों को पूरा करो। मैं छोटा था तब सैंटा बनना चाहता था। मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी क्रिसमस एवरीवन। मैं हमेशा से लोगों को खुश करना चाहता था, क्रिसमस हो या ना हो। हे, तुम्हारा लुक धांसू है, रॉक एंड रोल। अपने सपने पूरे करो। आखिर मेरे बचपन के सपने पूरे होंगे, क्या बात है। हे, कैसे हो मेरे बेटे? डैड, जैगेड स्टोन। मेरी क्रिसमस एवरीवन। ये कोई बड़ा सपना है ना? मैं तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। उस पेड़ के पीछे छुप जाओ। तुम यहीं रुकना मैरिनेट। तो मिस्टर रोबोट, तुम मेरा कचूमर बनाओगे? हाँ, आ जाओ। मुझे लुका को बचाना ही होगा। जल्दी करो टिकी, बॉट्स ऑन। तुम यहाँ सेफ रहोगे। थैंक यू लेडीबग। मैरिनेट, हाँ मैरिनेट, हाँ कोई मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। रुकिए डैड, मैं आ रहा हूँ। मैं हमेशा से रोबोट ओटेक बनना चाहता था। हाँ, पर हम एक वीडियो गेम में नहीं है। सपनों का नीलम चर। Unravelder, मैं हूँ Shadow Moth. Unravelder, ये कितना complicated नाम है? Well, Doctor Obsolete. मैं कोई डॉक्टर नहीं। तो Simple Man कैसा रहेगा? ठीक है। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, तो Simple Man, Ladybug और Cat Noir मेरी लाइफ complicate कर रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें ताकत देता हूँ कि तुम सब simple बना दो। हाँ, अब सब समझ गया। ये ग्रैंडपा को क्या हो गया? हमारी वजह से आप अकुमेटाइज हो गए। घबराओ मत बच्चों, तुमने कुछ नहीं किया। गड़बड़ी है तो पूरी दुनिया में। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सब कुछ सिंपल हो तो लाइफ कितनी आसान हो जाती है। ओ, और सबसे सिंपल काम मत भूलना, मुझे लेडीबग और कैट नोआर के मिराकुलस लॉकर देना। एकदम आसान है, इस बेकर के एक मुक्के से सब ठीक हो जाएंगे। सुपर हीरो या कोई भी नहीं। रुको, सिंप्लीफिकेशन। अरे नहीं, नादान विलन, मुझ पर हमला किया। मैं तुम्हारी शक्ति वापस लेता हूँ। फैसला कर लो, तुम्हें मिराकुलस चाहिए कि नहीं। हाँ ठीक है। अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो लाइफ कितनी सिंपल होती है। Mm-hmm.
उनसे टकराने की बजाय तुमने अपनी गाड़ी रोकी क्यों नहीं? गाड़ी मोड़ना कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें तो बस गाड़ी को पीछे करना है। गाड़ी पीछे करना और कॉम्प्लिकेटेड है, उससे अच्छा है सीधा चलो, एकदम सिंपल है। तुम मुझे आगे नहीं जाने दे रहे, इसलिए सभी कारों का चालान कर देता हूँ, ये सबसे आसान होगा। ये रहा चालान, ये रहा चालान, और इसका भी चालान। मैं हूँ नादिया, टीवी रिपोर्टर, हमारे आसपास होने वाली घटनाओं की खबर आप तक पहुँचाने वाली, और आज कुछ भी ठीक नहीं है, है ना क्लारा? मैं क्लारा, और हेलीकॉप्टर में बैठी एक रिपोर्टर। पेरिस में बहुत गड़बड़ है, लोग खुश नहीं है क्योंकि उनकी गाड़ियाँ फंसी पड़ी है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, हेलीकॉप्टर बहुत तेज है। रुको पायलट, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। रुको, चिलिन, मैं हूँ शैडो मॉथ। बेकसूर होने के बावजूद तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहना दी, तुम इस नाइंसाफी का बदला ले सकती हो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, अपनी ताकत अपने पास रखो शैतान इंसेक्ट। मुझे जाने बगैर मेरे बारे में कुछ मत कहो, बल्कि मैं तुम जैसा ही हूँ, गलत फहमी का शिकार, और तुम्हारी तरह मैं भी किसी को चोट नहीं पहुँचाऊंगा। तुम पर भरोसा नहीं मुझे। ये रहा सबूत, तुम्हें मंजूर हो तो तुम्हारे मकसद के लिए तुम्हें एक जबरदस्त शक्ति दे सकता हूँ। मंजूर है, सारी नाइंसाफी का हिसाब हो जाने के बाद शांति फैल जाएगी। ये सभी जुबैंग चैंग का वॉइस मेल है। अजीब बात है ठीकी, माँ मुझे इस तरह अकेले छोड़कर कभी नहीं जाती। तुम हिरासत में हो, खुद को हमारे हवाले कर दो। ये हथकड़ी खोल दो। वो शोकेस वाली मैम, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार? ये नामुमकिन है। तुम इस काम के लायक नहीं, नादानी से तुम्हारी आत्मा खत्म हो गई है। चिली तुम्हें इंसाफ का सही मतलब सिखाएगी। पहाड़ों को हिला दो, बिजली पर हो जाओ सवार, बादलों से लटक जाओ। जनरल, आर्मर्ड ट्रक से इलाके को बंद कर दो, हम वेस्ट से हमला करेंगे। और फोर्स को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। सर, मेरा मतलब मिस्टर मेयर, वो टैंक्स और फाइटर जेट्स कहाँ है जिनका आपने वादा किया था? धरती हिला दो। मैं बेकसूर हूँ, मेरी ये हथकड़ी खोल दो, वरना ना इंसाफी के बोझ तले तुम दब जाओगे। तुम बेकसूर लोगों की जान खतरे में डाल रही हो। लेडी पार्क, ये कहाँ थी जब तुम्हें चिलिन कसूरवार बता रहे थे? इस धोखेबाज की बात मत सुनो, उसका मिराकुलस ले लो। वो ना इंसाफी करे तो वो भी कसूरवार हैं, और अगर तुम उनका साथ दो तो तुम भी इंसाफ नहीं कर रही हो। क्या माय लेडी, वेदर डिपार्टमेंट ने कुछ चीजों के गिरने की भविष्यवाणी की है। शुक्र है तुम अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आए। क्या प्यारी फैमिली, मैं हूँ शैडो मॉथ। घबराओ मत, तुम्हारे जादुई चार्म्स तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस पाने से रोकेंगे नहीं। तुम सभी को मैरिनेट को औरों से बेहतर समझने की गलतफहमी है, ये पता लगाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस देता हूँ। वेटेड, बेकरिक्स, बेफाना और चेलिन, मैरिनेट को बड़ा करने का हक तुम में से सबसे शक्तिशाली को मिलेगा, लेकिन बदले में मुझे चाहिए लेडीबग और कैट नोआर के मिरेकुलस। माय मैरिनेट, तुम्हारी बेफाना तुम्हें आजाद कर देगी। ऐसे थोड़े ही होता है, तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत है जो मैं तुम्हें दूंगा। इस लड़की की रक्षा सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मैरिनेट, मैं तुम्हें इनसे बचाऊंगी। क्या हो रहा है? जल्दी छुप जाओ।
मेरी बेटी यहाँ नहीं है। वो भाग गई। तुमने उसे डरा दिया। तुम्हारी गलती है। नहीं तुम्हारी। नहीं तुम्हारी। नहीं तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती है। मैंने कहा ना। लाइनेट। मुझे बहुत भूख लगी है। इस भूख को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो रहा है। मुझे चाहिए। आखिरकार मुझे मिल गया। मुझे मिल गया। अरे अरे, मैंने इसे चुराया क्या? ये मैंने बहुत बुरा किया। ये क्या हो गया मुझे? इसीलिए तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत है लेडी बग। बिल्कुल मेरी पोती की तरह। मुझे अपना मिराकुलस दे दो। ये गलत बहुत ही अच्छा है। गलत को चुराया नहीं जाता, इसे पूरा परिवार मिलकर खाता है। मिराकुलस मेरा है। हे, ये टेस्टी दिख रहा है माय लेडी, मुझे एक पीस दो। बिल्कुल नहीं किटी, फिर मदद के लिए शुक्रिया। तुम जरा बेकर एक से निपटो, मुझे एक जरूरी काम है। ये तो आसान है, हिलना मत वरना बचोगी नहीं। स्पॉट्स ऑफ। टिकी, तुम क्या कर रही हो? मतलब सास सही कह रहा था, मैं तुम्हें उतनी अच्छी तरह नहीं जानती जितना मैं सोच रही थी। सॉरी मैरिनेट, पर मुझे और चाहिए। टिकी रुको। टिकी स्पॉट्स। मैरिनेट मेरी परी। ग्रैंडमा शाबाश मेरे एंजल्स, तुम्हारी वजह से मैं मैरिनेट को सबसे पहले ढूंढ पाई। मॉम, उसे गायब हुए 100 हफ्ते बीत चुके हैं। 100 बार मैंने तुम्हें बताना चाहा। नूरू डूसू ड्यूअल मेटामॉर्फोसिस। 100 बार मैंने उसे वापस लाने के लिए लेडीबग और कैट नोवर की मिराकुलस छीनने की कोशिश की होगी, और देखो इसका हल यहीं छुपा था मेरे अपने घर में। एफेमरल, मैं तुम्हारा डैड शैडो मौत हूँ। मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ कि टाइम को तेज भगाओ और तुम्हारी मॉम को वापस लेकर आओ। इसके बदले मुझे चाहिए लेडी बग का मिराकुलस और तुम्हारा भी। अब मुझसे ऐसा करने नहीं कह सकते। नहीं नहीं। मेरी बात समझ रहे हो बेटी? डैड। बस करो क्वामी, अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। एड्रियन, हेलो लेडी बग। टिकी स्पॉट ऑन, लकी चार्म। क्या तुम्हारी हार का वक्त आ गया है? I'm sorry, वादा करता हूँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मौज मस्ती में वक्त तेजी से गुजर जाता है। भागने का कोई फायदा नहीं, कुछ ही सेकंड में तुम बिना किसी शक्ति वाली एक मामूली लड़की बन जाओगी। सास मेरे स्विंग बॉक्स में। मैरिनेट। ये इयररिंग्स मेरे हैं। नहीं नहीं, एड्रियन बचाओ। आह यस, मेरी ख्वाहिश आखिर आज पूरी होगी। सॉरी, मुझे मैरिनेट ने भेजा है। घबराओ मत, उसे पता है। सास, मैरिनेट ने मुझे ये भेजा, लगता है वो चाहती है मैं इसी पल में वापस लौटूं, पर वो जानती है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम ना सही, मैं कर सकता हूँ। मैं किसी भी टेम्पोरल मार्कर तक जा सकता हूँ जिसे बीते कल में रखा गया है। जब कौमी अपनी ताकत बिना होल्डर के इस्तेमाल करता है तो उसका अंजाम खतरनाक होता है। हालात वाकई बहुत बुरे होंगे, तभी गार्डियन ने ये सुझाव दिया होगा। Oh no, वो नहीं, फिर से नहीं, दुनिया का अंत आ गया है। आखिर ये हो क्या रहा है? शैडो मौत ने लेडीबग और कैटनोवर के मिराकुलस को कब्जे में कर लिया होगा, और उसने कोई ख्वाहिश मांगी है। उससे भला दुनिया का अंत कैसे हो सकता है? मान लो ये दुनिया तुम्हारी स्कूल नोटबुक है, इसके अंदर सब ब्लू में लिखा है, लेकिन अब तुम उसे रेड में चाहते हो। अपनी पसंद के कलर में दोबारा कुछ लिखने से पहले तुम्हें वो सब मिटाना होगा जो पहले से ब्लू में लिखा हुआ है। जब कोई विश करता है तो ऐसा ही होता है, यूनिवर्स तबाह हो जाता है और फिर नए से बनता है, पर पता नहीं कैसे। सास, जल्दी करो। सेकेंड चांस।
लूने को। अब अच्छे किटी कैट की तरह मुझे लेडी बग मिराकुलस लाकर दो और फिर तुम हमेशा के लिए आजाद हो। अगर वो कैट नोअर है तो वो तुमसे आकर बात करता। सही कह रहे हो, वो वैसे तो बहुत बोलता है। वो वाकई नाराज होगा कि मैंने उसकी जगह लेने के लिए किसी और को चुना। पीठ पर उस स्लॉट की वजह से वो पिगी बैंक जैसा लग रहा है, तुम्हें नहीं लगता? उसे अकुमाटाइज करने से पता चल जाएगा। उसकी बेल को कैटाक्लिज्म करो, अकुमा उसके अंदर ही होगा। रुको, अगर वो सेंटी मॉन्स्टर हुआ तो, अगर मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया तो वो खतरनाक हो जाएगा। सही कहा। वाह, ब्लैक ने कोच का काम बहुत ही अच्छी तरह से किया है। मेरा यकीन मानो, मैं कैट नोअर को जानती हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? म्याओ म्याओ किरी। इससे काम हो जाएगा। म्याओ म्याओ म्याओ। बिल्कुल ठीक, यहाँ कितनी अच्छी खुशबू है। वो क्या कर रहा है? कैट्स अक्सर घास खाती हैं। इससे वो अपने पेट में भरे बाल निकालते हैं। मानती हूँ कैट नोअर थोड़ा अजीब है, पर वो घास खाने जैसा काम तो नहीं करेगा। मेरा मतलब है तुम्हारा शक सही है और मैं भी यही मानता हूँ। जब तक ये ना जान ले कि जो हमारे सामने है वो सेंटी मॉन्स्टर है या अकुमाटाइज हुआ है, तब तक कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। हमें और पता लगाना होगा। मैंने तो ये इसलिए कहा क्योंकि तुमने मुझसे अच्छी तरह सोचने को कहा था, पर तुम गार्डियन हो और तुम्हारा जो भी प्लान हो मैं उसे फॉलो करूंगा। तुम सही हो, वाकई वो कैट नोअर नहीं है। और तुम्हारा ऐसा सोचना मैं समझ सकता हूँ। हाँ, पर देखो तो, मैं एक बड़े पिगी बैंक को अपना पुराना पार्टनर समझ बैठी। मैं ना ही उसका दुख समझी और ना ही उसे जाने से रोक पाई। मैं शायद सबसे बुरी गार्डियन हूँ। तुम में कोई कमी नहीं है। हो सकता है वो लड़का जो कैट नोअर था वो जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव रहा हो, लेकिन तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग्स होने से जरूरी नहीं कि तुम उस पर औरों से ज्यादा ध्यान दो। तुम सब पर बराबर ध्यान देती हो लेडी बग, अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब चले। मेरे लिए इतना चार्मिंग बनने के लिए थैंक्स। मेरा मतलब था कि लकी चार्म। क्या तुम्हें अपने लकी चार्म को बुलाने के लिए योयो की जरूरत पड़ती है ना? हाँ सही कहा। लकी चार्म। एक पैराशूट। क्या तुम ठीक हो? हाँ, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। पैराशूट से कैट की आंखें बंद कर दो, फिर मैं अपने योयो से उसकी बेल छीन लूंगी। पेनल्टी, मैं हूँ शैडो मॉथ। तुम्हारे क्लासमेट्स तुम्हें जबरदस्ती सॉकर खिला रहे हैं। मेरी ताकत से तुम इस खेल से उन्हें नफरत करने पर मजबूर कर दो। इसके लिए तुम कभी ना हार मानने वाली टीम बनोगी जीत की पूरी गारंटी के साथ। इसमें चीटिंग भी कर सकती हो इसके बदले। बताने की जरूरत नहीं, विक्ट्री और मिराकुलस। खेलना था ना? अच्छा तो चलो खेलें। पर तुमने कहा तुम्हें सॉकर पसंद नहीं है। मुझे सख्त नफरत है, और देख लेना मेरा काम होने के बाद तुम भी इस रिडिकुलस गेम को कभी नहीं खेलना चाहोगी। क्लोई, बदला किसी भी समस्या का इलाज नहीं है। मैं अब क्लोई नहीं, आज से मेरा नाम पेनल्टी है और ये रही मेरी पेनल्टी। पहला हाफ 45 मिनट का है। अगर मैं जीती तो इस शहर में फिर कभी कोई सॉकर नहीं खेलेगा। अगर क्लोई के साथ खेलना है तो जीत आसान है। आगे रुको। पैनल टीम को नहीं हरा सकते लूजर्स कहीं के।
ये गोल नहीं माना जाएगा, आलिया पर फाउल हुआ है। सही कहा, ये रहा रेड कार्ड। मैं तय करूंगी रूल्स। और तुम्हें इतनी बकबक करना पसंद है तो तुम हमारे ऑफिशियल कमेंट एडिटर क्यों नहीं बन जाते? हाँ मान ली, पर तुम्हें तो सॉकर बहुत पसंद था ना? चेतावनी देती हूँ, मेरे जितने ज्यादा गोल तुम्हारे दोस्तों को उतनी ज्यादा परेशानी। स्टेडियम ऑफ प्रिंसेसेस में स्वागत है। अरे नहीं, ये गेम हम नहीं हार सकते। ठीक है, स्पोर्ट्स ऑन। रहम करो, कुछ भी खेलो पर सॉकर नहीं। सॉरी पर लेडी बगर एक टीम है। वापस आओ फ्रॉगी, वापस आओ फ्रॉगी, वापस चलो, घर जाने का वक्त हो गया है। रिस्क, मैं हूँ शैडो मौत। मैं तुम्हें ताकत देता हूँ जिससे लोग अपना डर भूल जाएं। तुम्हारी वजह से वो सारे रिस्क लेंगे और तुम्हें भी वो रिस्क लेने देंगे जो तुम लेना चाहते हो। ओह, इसका असर मेरे पेरेंट्स पर भी होगा? हाँ, सभी डैडी मम्मी और बच्चे जो तुम्हारा गाना सुनेंगे वो रिस्क लेने लगेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो फिर सौदा पक्का। तुम्हारा हेलमेट कहाँ है और तुम्हारे ट्रेनिंग व्हील्स? मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। आखिर बाइक चलाने में भला कैसा डर? मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया। तुम और मैं खूब मजे करेंगे रिस्क, पर तुम्हें छुपे रहना होगा। अपना फ्रॉगी टॉय भी छुपाओ वरना लेडी बग आकर उसे तोड़ देगी और तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। छुपाऊंगा ऐसे जो कोई ढूंढ ना पाए। मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। लेडी बग, कैट नोवा, तुम जो भी हो, जहाँ भी छुपे हो, अब तुम पर रिस्क का मार्क है। वैसे मुझे पता नहीं कि तुम दोनों कौन सी गलती करोगे या कैसे करोगे, पर इतना पता है कि मेरे पंखों की फड़फड़ाहट ने तुम्हारे अंदर लापरवाही के बीज बो दिए हैं। अब बस तुम्हारी हार की फसल काटनी है। एड्रियन, याद रहे कि कल 8:30 बजे स्कूल है, उसके बाद 1:30 बजे फेंसिंग, फिर पियानो प्रैक्टिस और चाइनीज क्लास, पर उन सबसे पहले डैड के साथ ब्रेकफास्ट जिसका वो 2 महीने से वादा कर रहे हैं। पर वो तो क्या उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया ना? नहीं नहीं, तुम उनसे मिलोगे पर काम के लिए। कल रात तुम्हारे डैड को एक नए एड कैंपेन का आइडिया आया है। स्टडी में जाने से पहले ये कपड़े पहन लो। वैसे तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट मैं भी करना चाहूँगा। मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। बहुत हो गया, मैं फोटो और एड से तंग आ गया हूँ। मुझे मेरे डैड की ब्रांड के लिए और काम नहीं करना, बस उनका बेटा बनकर रहना और एक बार उनके साथ ब्रेकफास्ट करना। मैं उनसे बात करूंगा। तुम्हें पता ना है तुम्हारे डैड को बहुत बुरा लगेगा, है ना? मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। अभी टाइम नहीं है एड्रियन, तुमसे कहा था ना वो कपड़े पहन कर आओ। जी डैड। कमॉन, हार मत मानो, बगावत तो चीज सुफले जैसे हैं, बिखर गए इसका मतलब ये नहीं कि और ट्राई ना करें। मेरे प्यारे अकुमटाइस दोस्त, जितना गा सकते हो गाओ, आज बस किसी तरह लेडी बग और कैट नोवार ढेर सारी रिस्क लें। Hey, कुछ देर रुक जाते हैं, शायद लेडी बग और कैट नोवार दिख जाए। इसके तो मुझे बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। अपनी ताकत बाहर निकालो स्ट्राइक बैक। आप लोग क्या कर रहे हो? यहाँ रहना खतरनाक है, जाइए। हे दोस्त, मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ। यहाँ मत रुको वरना वो सुपर विलन तुम्हें चोट पहुँचा सकता है। मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। क्या कर रहे हो? मैं शक्ति इस्तेमाल करूंगा, तुम अकुमा को पकड़ो, फिर हम दोनों अपने अपने काम पर वापस। क्या पता तुम्हारी पावर अकुमाटाइज्ड इंसान पर क्या असर दिखाएगी, और अगर वो सेंटर मॉन्स्टर हुआ तो कैटाक्लिज्म से बेकाबू हो जाएगा। वाओ,
क्या बात है, ये कंट्रोल है जो मैंने कहा था उसमें रिस्क में क्या फर्क है? कभी नहीं, इसमें रिस्क है। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती। बिल्कुल लेती हूँ, मैं हमेशा रिस्क लेती रहती हूँ। ओ सच्ची, तुम ये जानने का रिस्क लोगी कि इस मास्क के पीछे कौन है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारी पहचान सीक्रेट रहनी चाहिए। जानता हूँ, तो फिर दूसरे होल्डर्स की पहचान क्यों जान ली, मेरी क्यों नहीं? हाँ मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, अगर तुम्हारी पहचान जान गई तो शैडो मौत को तुम तक पहुँचने के लिए सिर्फ मुझे अकुमटाइज करना होगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे बचाने की जरूरत नहीं, मैं अकुमटाइज नहीं होने वाला। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, शायद इसलिए क्योंकि तुम मुझे कभी कुछ बताते ही नहीं। लेडीबग, बहुत बढ़िया रीना। हाँ? रीना रूश, वो कहाँ है? कौन रीना? हाँ वो छिपी हुई है और उसका ठिकाना तुम्हें बताना हो। रिस्की, हाँ मैं समझ गया। मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया। ओ नहीं, ये फिर शुरू हो गया। आखिर पैसे की ताकत से कहीं ज्यादा मजेदार सिनेमा का जादू। ये फिल्म शूट का वक्त नहीं है मिस्टर मेयर, ये काफी रिस्की है समझे। सीधे उसकी ओर, हम पे हमला किया तो बहुत अच्छा फुटेज मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या इस विलन की वजह से सब लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं? शायद, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि अगर हमें लोगों को बार बार बचाना पड़ा तो हम उसे नहीं हरा पाएंगे। मैं मदद लेकर आती हूँ, उसका ध्यान बटाओ। सुपर विलन से मुकाबला करना बच्चों का खेल नहीं है, अपने पेरेंट्स को ढूंढो। बहुत बढ़िया, रिस्क लेने का आखिर फायदा जरूर मिलता। मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता।